नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ने वैकेंसीज़ निकाली है और ये जो वैकेंसीज़ है ये असिस्टेंट ड्रिलर ट्रेनी एंड जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड टू के वैकेंसीज़ हैं। और ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आप देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2020 के एडिशन में। और इसमें जो वैकेंसीज़ है असिस्टेंट ड्रिलर की टोटल 15 वैकेंसीज़ है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 15 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 30 वैकेंसीज़ हैं और आप यहाँ देख सकते हैं इन वैकेंसीज़ का यहाँ ब्रेकअप दिया गया है और क्या बेसिक पे रहेगा उनका। 31,852 असिस्टेंट ड्रिलर का, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का 29,460। और इसमें जो ग्रेड यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं आप। आइए इस वैकेंसी में देखते हैं क्या क्या और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। सो टोटल इमोलमेंट्स जो होगा वो बेसिक पे VDA ST A बोनस अलाउंसेस वगैरह का रहेगा, जिससे आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। सो एक कैंडिडेट्स एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उसी में आप अप्लाई करिए। सो क्वालिफिकेशन देखिए आप, असिस्टेंट ड्रिलर ट्रेनिंग की मेट्रिकुलेट विथ 3 ईयर्स डिप्लोमा और इक्वेलेंट इन मैक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग प्रेफरेबली इन ड्रिलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और दूसरी जो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है, ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। एज लिमिट देखिए आप यहाँ पर हैं कि 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए और 30 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रहेगा वेरियस कैटेगरीज का, आप देख सकते हैं। सो आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ही मैं आपको सीधे जाके वैकेंसी दिखा रहा हूँ। सो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC ESM PWBD कैंडिडेट्स के लिए। हाउ टू अप्लाई देखिए, सो आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। आपको CMPDI वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट बटन पे क्लिक करना है, जो कि 26 तारीख यानी यस्टरडे से चालू हो गई है, 9:30 AM एंड 25/10/2020 12 बजे तक रहेगी ये। जो कैंडिडेट्स SC ST OBC एक्स सर्विसमैन PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको सबमिट करना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। और जो कैंडिडेट्स अदर देन रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जो यहाँ दिए गए हैं, उनको एप्लीकेशन फ़ी देनी है 500 रुपीज़ और ये ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफ SB कलेक्ट रहेंगे और बाकी के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। सो आप देखिए क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा फ़ी पेमेंट, अप्लाई ऑनलाइन एंड फाइनल स्टेप रहेगा जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो स्टेप वन रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं, तो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। दूसरा फ़ी पेमेंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। आगे देखते हैं तो कुछ नोट यहाँ दिए गए हैं, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। फ़ीस आपको 26/9 से लेकर 24/10 के बीच में पे करनी है और एक बार फ़ी पे करने के बाद आपको वापस नहीं की जाएगी किसी भी केस में। सो अप्लाई ऑनलाइन जो स्टेप 3 है वो यहाँ दिया गया है पूरा, आप देख लीजिए। ये फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन के बारे में है, अपलोड के बारे में है। सो पूरा ये जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के बारे में है। स्टेप 4 जो कि रिज़र्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, यहाँ पर उनको एक स्कैन कॉपी देनी अपने सर्टिफिकेट्स की, वो इस ईमेल आईडी पे भेजनी है और सब्जेक्ट उसका ये रहेगा यहाँ पे, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, पोस्ट अप्लाइड एंड एप्लीकेशन नंबर, वैलिड रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट। सो ये सब सर्टिफिकेट्स आपको भेजने हैं। और लास्ट डेट आपकी स्कैन कॉपी ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो 25/10/2020 रहेगी। मेडिकल फिटनेस के बारे में है, तो आपको मेडिकल फिट रहना है, जो भी कंपनी के स्टैंडर्ड रहेंगे उसके अनुसार। इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख लीजिए अब दोबारा। सो 26/9 से स्टार्ट हो चुकी है, यस्टरडे से चालू हो गई है और फीस भरने की जो डेट्स है 26/9 से 24/10 रहेगी। लास्ट डेट आपको फॉर्म भरने की 25/10 रहेगी और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको भी जो सर्टिफिकेट भेजना है इस ईमेल आईडी पे 25/10 ही रहेगा। और आप ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे उसके बारे में आपको बाद में CMPDI वेबसाइट पर बताया जाएगा। सेलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं क्या रहेगा। तो दोनों पोस्ट के लिए देखिए रिटर्न टेस्ट रहेगा और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। सो रिटर्न टेस्ट देखिए ये OMR बेस्ड रहेगा और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और ये दो पेपर में रहेगा, जो कि बायलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश।
वन टेक्निकल पेपर रहेगा एंड वन जनरल पेपर रहेगा इसमें, जो आपका मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग स्किल्स को टेस्ट करेगा। और सिलेबस जो बाद में बताया जाएगा CMPDI वेबसाइट पे, और इसके डिटेल्स आप देख सकते हैं। सो पेपर वन टेक्निकल रहेगा, 100 मार्क्स, 2 घंटा, 100 क्वेश्चंस, और इसका सिलेक्शन वेटेज रहेगा 70%। पेपर टू जनरल रहेगा, 50 मार्क्स, 2 आवर्स, 50 MCQ क्वेश्चंस, और इसका वेटेज रहेगा 30%। सो 30 और 70 मिला के आपका इसका सिलेक्शन का वेटेज रहेगा। जनरल के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाना है हर एक पेपर में, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाना है। इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर जो रिटन टेस्ट के रहेंगे वो CMPDI वेबसाइट पे बाद में पब्लिश कर दिए जाएंगे, और जो रिज़ल्ट होगा आपका रिटन टेस्ट का वो भी वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। सो ये स्पेशल असिस्टेंट्स के बारे में है, और ये जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए ही है सिर्फ। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं, आप इसको देख लीजिए, और हम देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। सो इंस्ट्रक्शंस तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं। सो NOC आपको लेना है अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान देना पड़ेगा। और SC/ST कैंडिडेट्स को जो नॉन AC फेयर मिलेगा शॉर्टेस्ट रूट से, तो ये आपको सिर्फ जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तभी आपको मिलेगा। कोई अगर रिक्रूटमेंट रिलेटेड क्वेरी आपको है तो आप इस ईमेल ID पे पूछ सकते हैं, या ये कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करके आप पूछ सकते हैं वर्किंग डेज के टाइम में। सो चेकलिस्ट देख लीजिए आप, ये रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, कि आपको ईमेल करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, और ये देखना है कि आपने ये सब चीज़ें की है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसका ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल पर अपनी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।